ह्युंडई मोटर इंडिया अब इस साल फेस्टिवल सीजन में एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी अपनी नई थर्ड जनरेशन i20 को लॉन्च करने जा रही है। नई i20 में इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, साथ ही इसमें कई लेटेस्ट फीचर्स को भी जगह मिलेगी। चलिए जानते हैं कि क्या कुछ नया इसमें देखने को मिलेगा। नई i20 मौजूदा मॉडल से ज्यादा स्पोर्टी और शार्प हो गई है। इसके फ्रंट में नया हेक्सागोनल ग्रिल, नई LED हेडलैम्प, बम्पर और नए फॉग लैंप दिए गए हैं। इस कार के साइड प्रोफाइल और रियर लुक में काफी नयापन देखने को मिलेगा। रियर में बिल्कुल नई जी शेप की कंबाइंड LED टेल लाइट्स है, जो कि आपस में एक रिफ्लेक्टर स्ट्रिप के थ्रू कनेक्टेड है, और साथ ही इसमें पियानो ब्लैक कलर का एलिमेंट है जिसके सेंटर पर हुंडई का लोगो लगा है। साइड से अगर देखोगे तो इसमें कई शार्प लाइंस दी गई हैं, जिस वजह से इसका साइड प्रोफाइल काफी डायनामिक हो गया है, और यह बिल्कुल नए 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ आएगी। कार की लंबाई मौजूदा मॉडल से थोड़ी सी बड़ी है, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा स्पेस भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर इसका एक्सटीरियर लुक बहुत ही प्रीमियम और स्पोर्टी होने वाला है। अब अगर इंटीरियर की बात करें तो नई i20 में यूरोपियन मॉडल की तरह नया डैशबोर्ड दिया गया है, जिसमें फ्री स्टैंडिंग स्टाइल में 10.25 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और नया फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसके अलावा ह्युंडई की कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी यानी कि ब्लू लिंक, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, एम्बियंट लाइटिंग, कीलेस एंट्री, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फ्रंट आर्म रेस्ट और बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स भी होंगे। नई i20 में 3 इंजन ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक है 1.2 लीटर पेट्रोल, दूसरा 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल और जबकि तीसरा है 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन। ये सभी वही इंजन है जो वेन्यू के साथ भी आते हैं। और इस बार i20 में कई सारे ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलने वाले हैं, जो कि खास तौर पर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ही मिलेंगे। न्यू जनरेशन i20 लेटेस्ट सेफ्टी फीचर से भी लैस होगी। इनमें 6 एयरबैग, ABS विद EBD, ESP, रियर व्यू कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। बाकी यूरोपियन मार्केट में आने वाली i20 को देखें तो उसमें तो बहुत ही हाई टेक्निकल सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन इंडिया में कीमत को देखते हुए उस तरीके के सेफ्टी फीचर्स देना शायद पॉसिबल नहीं। नई i20 की कीमत 6 लाख से 10.5 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। फिलहाल तो यह इस फेस्टिवल सीजन में लॉन्च हो जाएगी और तभी इसकी असली कीमतों का खुलासा होगा। इसका मुकाबला खास तौर पर होने वाला है सेगमेंट लीडर मारुति बेलिनो और टाटा की प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोस से। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।